श्रोमणी अकाली दल से सस्पेंड किए गए अकाली विधायक सरदार इंद्रबीर सिंह बुलारिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पंजाब के उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल को दुर्योधन तथा कैबिनेट मंत्री सरदार बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को शकुनी की उपाधि दे डाली। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में ड्रग्स का मुद्दा छाया रहेगा। उन्होंने कहा कि अभी वह किसी भी पार्टी में नहीं जा रहे हैं, लेकिन वह उस पार्टी में शामिल होंगे जो पार्टी लोगों की सुविधा तथा पंजाब के विकास के लिए काम करेगी। सब तो पहली गल है भी जितना कड्डे जाने की गल है या सस्पेंड करने की गल है, मैं तो शुरू तकरीबन 1.5 साल तो इस गल की उड़ीक में बैठा भी यह फैसला आ जाए कल आए, और इन्होंने तो सस्पेंड किया। मैं तो डिसमिसल का सोच रहा भी डिसमिसल का होगा, पर इन्हों की आदत है हौली 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 कम करते हैं। सब तो पहला इन्होंने मैनू मेरे परिवार उत्ते मेरे उत्ते बड़ा दबाव पाने की कोशिश की, मेरा कारोबार बंद कराने की कोशिश की, पर जो इन्होंने वेख्या भी इंद्रबीर बुलारिया नहीं चुकया, फिर इन्होंने मैनू यूथ अकाली दल माझी की प्रधानगी तो हटाया, वो कुछ महीनों बाद मैनू मुख्य संसदीय सकत्र तो हटाया, फिर वेख्या इन्होंने कि फिर नहीं आया साढ़े को चुकया नहीं है, तो अज हूँ लेटैसट आया भी जिहड़ा सस्पेंड किया वह भी सस्पेंड किया, हजे डिसमिस फिर नहीं किया, फिर कहिंदे कोर कमेटी च जाएगा। यह कोर कमेटी च ले जाण दी कोई लोड़ ही नहीं है, जदों इंद्रबीर बुलारिया दे मन बन गया होया तां मैं तो किसी कोर कमेटी नूं मानदा ही नहीं, ना ही मैं किसी इन्हां दे अदारे नूं मानना, ना ही प्रधान नूं मानना, श्रोमणी अकाली दल सुखबीर सिंह बादल नूं मानना, ते जदों मैं मन बनाया तो फिर यह ड्रामे करन दी की लोड़ आ, यह तो साफ से स्पष्ट होना चाहिए। नैक्सट स्टैप आने वाले टाइम के उत्ते आना सोच समझ के फैसला करांगे, हजे वेखण वाली गल है। सारिया जिहड़ियां मुख पोलिटिकल पार्टीज़ अपने आप नूं पेश कर रही पंजाब दे विच, उन्हां नाल गल्लां बातां तोरांगे, वेखदे हां किहड़ी पार्टी पंजाब नूं सही दिशा दे सकदी है। वेखो खटास तो जेटली साहब की इलैक्शन तो ही शुरू हो गई थी, इनफैक्ट उस तो पहले शुरू हो गई थी, क्योंकि इन्हां नूं पसंद नहीं है कोई भी बंदा इन्हां नूं शीशा विखावे। मैं इन्हां नूं पूरा शीशा विखाउंदा रहा समय समय से, इन्हां नूं दसदा रहा कि की चीज़ां कमियां की ने, तो इहो जिहे बंदे आ कमियां अपनियां वेख के इन्हां नूं बुरा लगता भी साडा साडियां कमियां कोई सानूं विखावे, इन्हां नूं चंगा नहीं लगता, तो मैं इन्हां नूं कमियां दिखाईआं तो जिहदे करके मैं इन्हां दी अख च रड़कां। बिल्कुल जी, वन ऑफ द बिग इशूज़, मैं नहीं कहांगा सब तो वड्डा, बट यस वन ऑफ द बिग इशूज़ ड्रग जरूर। विनाश तो इन्हां दा जदों ऐतकी सरकार च आए थे उदों ही शुरू हो गया सीगा। वेखो जदों तुसीं हंकार च आ जाओगे कि असीं दुबारा जित गए हां ते असीं 25 साल साडा ही राज रहना, तां बड़ा बेतुका जिहा लगदा। जनता ने तो हर 5 साल बाद टैसट करना, ताडा टैसट लैना, और इहो जी गल करनी कि 25 साल साडा ही राज रहेगा, तो हंकार की निशानी है। मैं समझदा कि यह कोई रजिस्ट्री करा के नहीं आए, पंजाब इन्होंने खरीद लिया तो लगातार इन्हों का राज रहूगा, यह उदों ही क्लीयर हो गया कि यह इन्हों के दिन गिने चुने हैं, क्योंकि इन्होंने बनते सा सरकार लोग मारू नीतियां अपनानिया शुरू कर दतिया, धक्केशाही शुरू कर दिती, हर थान उत्ते कब्जे शुरू कर दते, हर व्यापार नूं कब्जे च करना शुरू कर दिता। किहड़ा व्यापार आ पंजाब दे विच जिथे अज इन्हां दा कब्जा नहीं है, और व्यापारियों नूं मारन दी पूरी कोशिश की गई, और बड़े वड्डे वड्डे स्कैंडल बड़े वड्डे वड्डे स्कैम ने जिहड़े इन्हां ने अपनियां पॉलिसीज़ बना के किते, और समय आने तो सारिया गल्लां बाहर आ ही जाणियां, कोई लुकियां तो रहनियां नहीं है। वेखो मैं इस गल च इक्को गल दे विच ही कह दिंदा, महाभारत हुई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਕੁਨੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੋ ਟੁੱਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਕੁਨੀ ਆ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਜੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਆ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ।